तारीख को जो फायरिंग की घटना हुई थी उसमें पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। घटना में यूज की गई 2 पिस्टल बरामद हुई है। इन लोगों ने जो कपड़े पहने थे उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पूरे षड्यंत्र को और घटना को कारित करने में जो मोबाइल फोन इस्तेमाल किए थे वो भी इनके पास से जब्त किए। युवराज ने बताया है कि उसकी साथ में जो पीछे लड़का बैठा दिख रहा है वो सुमित है, और हम लोग ने पूछा कि युवराज की जो पीले रंग की टी शर्ट हम लोग को पहचान में आई थी वो कहाँ है, तो उसने बताया कि सुमित के ही। घटना के पीछे अपराधियों का मकसद क्षेत्र में दहशत फैलाना है, मकसद के अन्य सभी पहलुओं पर पुलिस अभी जांच कर रही है। नमस्कार, मैं प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बेगूसराय में जिन अपराधियों ने 25 किलोमीटर तक एक के बाद एक 11 लोगों को गोली मारी, एक की हत्या कर दी, पुलिस ने उन अपराधियों को दबोच लिया है। बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक एक बात की जानकारी दे रहे हैं। सुनवाते हैं पहले एसपी योगेंद्र कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। 13 तारीख को जो फायरिंग की घटना हुई थी उसमें पुलिस ने 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। घटना में यूज की गई 2 पिस्टल बरामद हुई है कारतूस के साथ। घटना में एक मोटरसाइकिल जो प्रयोग की गई थी फुटेज में दिख रही है उसको पुलिस ने बरामद कर लिया है। घटना में इन लोगों ने जो कपड़े पहने थे उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। पूरे षड्यंत्र को और घटना को कारित करने में जो मोबाइल फोन इस्तेमाल किए थे वो भी इनके पास से जब्त किए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि इस घटना को बहुत गंभीरता से लेते हुए DIG महोदय बेगूसराय और पुलिस अधीक्षक बेगूसराय ने 4 विशेष टीमों का गठन किया था। ये टीम लगातार अपना काम कर रही थी। इसमें हमको नजदीक के 6 जिले पटना, समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई, लखीसराय, मुंगेर और रेल पुलिस जमालपुर से वेल कोऑर्डिनेटेड सपोर्ट मिला। साथ में बिहार की जो STF है, CID, FSL, स्पेशल ब्रांच, आर्थिक अपराध इकाई, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और पुलिस मुख्यालय के वरीय पदाधिकारियों की भी हम लोग को मदद मिली। कुल 22 स्थानों पर जो CCTV फुटेज लगे थे पुलिस ने उसको खंगाला, तो उसके बाद ये 4 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। देखिए, मैं आपको बता दूं इसमें कि घटना के बाद जो टेक्निकल एनालिसिस हुआ था और CCTV फुटेज हम लोगों ने खंगाले थे उसके आधार पर युवराज की पहचान हुई थी, युवराज की गिरफ्तारी हुई है। पूछताछ में युवराज ने पूरा अपराध स्वीकारा है। युवराज ने बताया है कि उसकी साथ में जो पीछे लड़का बैठा दिख रहा है वो सुमित है, और हम लोग ने पूछा कि युवराज की जो पीले रंग की टी शर्ट हम लोग को पहचान में आई थी वो कहाँ है, तो उसने बताया कि सुमित के ही लगते हैं। इसलिए तो पुलिस ने जब्त किया है। इसके बाद सुमित की गिरफ्तारी हुई। युवराज के निशानदेही पे फिर जो 2 देसी पिस्टल युवराज ने गोली चलाने के लिए इस्तेमाल किए थे इन लोगों ने किए थे उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है, और जिस मोटरसाइकिल पे युवराज बैठा हुआ था फुटेज में दिख रही है उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है युवराज की निशानदेही पे। देखिए, पूछताछ में दूसरी मोटरसाइकिल पे जो 2 अपराधकर्मी सवार थे जो हम लोग को फुटेज में दिख रहे थे उसकी भी पहचान पूछताछ में हुई है, और उस पर हमारी विशेष टीम अभी काम कर रही है। सीक्रेसी के लिए अभी हम नाम नहीं बताएंगे। पूछताछ में इन्होंने पुलिस को बताया है कि इनके साथ इस पूरी घटना की प्लानिंग में, षड्यंत्र रचने में चुनचुन और केशव और नगवा भी शामिल थे। ये सभी घटना से पहले और घटना के समय लगातार आपस में संपर्क थे, फोन के माध्यम से इनका मूवमेंट सस्पेक्टेड था। इस बात की हमारी इस तथ्य की जो जांच है हमारी टेक्निकल सेल की टीम ने की है और इस तथ्य को सही पाया गया। उसके बाद चुनचुन की गिरफ्तारी हुई, लेकिन तब तक केशव और नगवा जिले से बाहर भाग चुका था, तो विशेष टीम ने इसको एक अभियान चला के जमुई से गिरफ्तार किया है। देखिए, मैं आपको इसमें बता दूं कि जो चुनचुन है इस पर हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट के 6 मामले दर्ज हैं, 2.5 साल जेल में होके आया है। केशव उर्फ नागा 2 आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं, ये भी जेल होके आया है। सुमित, इसमें भी आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है। ये सारे लोग बेल पे हैं और लगातार इन पर पुलिस समय समय पर कार्रवाइयाँ करती रही है, ये इस बात से भी स्पष्ट है। देखिए, इस घटना में लाइनर के रूप में अन्य लोग भी शामिल हो सकते हैं, तो इस बात की जांच अभी पुलिस कर रही है। हमें आपको बता दूं कि अब तक के अनुसंधान में प्रथम दृष्टया पाया गया है कि इस घटना के पीछे अपराधियों का मकसद क्षेत्र में दहशत फैलाना है, मकसद के अन्य सभी पहलुओं पर पुलिस अभी जांच कर रही है। कोई कॉन्स्पिरेसी का भी मामला सामने आ रहा है क्या? देखिए, मैंने आपको जैसा बताया कि मकसद के जो सभी पहलू हैं उनकी अभी पुलिस जांच कर रही है। ये कहां कहां के रहने वाले जो गिरफ्तार हुए हैं बदमाश? देखिए, इसमें चुनचुन जो है बेट का रहने वाला है, सुमित बरौनी पिपरा का रहने वाला है, केशव जो है वो बरौनी का रहने वाला है बीएड का, और युवराज जो है वो जेमरा रिफाइनरी ओपी का रहने वाला है। तो बेगूसराय के पुलिस कप्तान को आप सुन रहे थे। बेगूसराय में सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाने के लिए, जिले में दहशत फैलाने के लिए इन अपराधियों ने षड्यंत्र रचा और इस बड़े वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद
एक एक कर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है, चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसने घटना को अंजाम दिया उसे भी गिरफ्तार किया है, साथ ही जो लाइनर की भूमिका में था उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, बेगूसराय के एसपी ने तो दावा किया है कि अभी और भी लोग पकड़े जाएंगे। बहरहाल सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी के लिए आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।